तो इस तरह का स्टेटस वीडियो जो है वो हम कैपकट ऐप से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जिस जिस फोटो से वीडियो बनाना है उसको सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं पिक को ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पिक सारा ले लिया है जो पिक से स्टेटस बनाना है। आप खुद के पिक भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इधर नीचे यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे जाना है और आपको इसको 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सारा पिक को ऐसे 2 फिंगर्स ऐसे बढ़ा लेना है, ऐसे करके सारे पिक को। तो मैं बढ़ा लेती हूँ जल्दी। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने इतना कर लिया है, पिक को एकदम सही से रख लिया है। अब आपको क्या करना है, इधर लास्ट में आना और यहाँ पे ये वाला जो कैपकट का ये लोगो आ रहा है इसको डिलीट कर देना है, उसको सेलेक्ट करके। तो आपको क्या करना है, साउंड ऐड करना है। तो साउंड में जाना है, तो मैं तो वीडियो से साउंड को निकाल लेती हूँ। तो ये एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो में जाना है और जैसे वीडियो साउंड से आपको वीडियो बनाना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आ चुका है ये वाला, सबसे ऊपर नहीं रहता है, आ जाता है मतलब कि। और उसके बाद आपको सॉन्ग को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे माथ आउट करके होगा, इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐड बीट, तो आपको बीट को ऐड कर लेना है ऐसे करके, वीडियो को स्टार्ट करके ऐसे 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 करके ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना, अगर गलत बीट लग जाता है तो यहाँ से डिलीट बीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बीट को लगा लेती हूँ पहले। तो देख सकते हैं मैंने बीट लगा लिया है यहाँ पे ऐसे करके, मेरी बीट है। उसके बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है और अब आपको क्या करना है, एक एक बीट पे पिक को लेके आ जाना है। तो जो फर्स्ट बीट है वो यहाँ पे, तो ऐसे करके पिक को लेके आ जाना है ऐसे ऐसे करके। तो मैं ये करके बताती हूँ फिर आपको। तो अब आप देख सकते हैं एक एक बीट पे मैंने पिक को लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें एनिमेशन ऐड करना है। तो पिक को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, कॉम्बो में जाएंगे और इधर आना है आपको यहाँ पे पेंडुलम वन, ये देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पिक में जाएंगे पेंडुलम टू, फिर से पेंडुलम वन और इधर पेंडुलम टू, फिर से इसमें आना है पेंडुलम वन। ऐसे करके जितने दूर तक जो बीट आता है उसको कर लेना। उसके बाद आधे दूर से तो अलग इफेक्ट लगेगा, तो मैं देख सकते हैं इतने दूर तक लगा चुकी है वो एनिमेशन पेंडुलम वाला। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे ब्लैक फ्लैश जो आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बीट फास्ट होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो थोड़ा सा बीट स्पीड में आता है वहाँ पे आपको एक इफेक्ट ऐड करना है ब्लैक फ्लैश करके। तो इफेक्ट में जाएंगे और इधर नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लैक फ्लैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो इतने दूर तक लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पिक को यहाँ से ऐसे करके कट किया है बीच में ऐसे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको एक वाइट फ्लैश लगाना है, इस फ्लैश को ब्लैक फ्लैश को इतनी दूर तक लेके आना है। और यहाँ से आपको वाइट फ्लैश लगाना है, तो वापस से यहाँ नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ से वाइट फ्लैश दूर तक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक और इफेक्ट करना है बनी फोकस बोल के है। ये देखिए यहाँ इसको इतने दूर तक करना है, रख लेना है। अब आपको क्या करना है, एनिमेशन ऐड करना है यहाँ से इतने दूर से। तो
उस पिक को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में जाएंगे, कॉम्बो में जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इतने दूर पे आना है, यहाँ से थोड़ा स्लो हो जाता है, जो स्लो मोशन में थोड़ा सॉन्ग आते हैं, तो यहाँ पे आपको पिक को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन में जाना है, कॉम्बो में जाना है, और यहाँ पे ट्रेन 3 बोल की एक एनिमेशन है उसको ऐड कर लेना है। इतने दूर पर आना है, इस पिक को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन में जाना है, कॉम्बो में जाना है, और इधर आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्ट्रॉक राइट, ऐड कर लेना है एक में, और दूसरे वाले पे डिस्ट्रॉय लेफ्ट। इतना कर लेंगे तो मेरा वीडियो जो है रेडी हो चुका है। बैक आएंगे, देख सकते हैं ऐसे, क्या करना है, जब शुरू में आ जाना है, ओवरले में जाना है, ऐड ओवरले, और यहाँ पे आपको एक वीडियो को ले लेना है, ये वीडियो मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगी। इसको ऐड कर लेना है और इस प्लेस पे जाना है, और यहाँ पे इसको फिल्टर कर लेना है, जैसे 2 फिंगर से इसको ऐसे बढ़ा लेना है। ना करने के बाद वॉल्यूम में जाके इसको कम कर लेना है सॉन्ग को, और दोबारा उसको यहाँ से ऐसा करके कट कर लेना है, इसको सिलेक्ट करके इस पिक पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे लोगो लगाना है, यहाँ से तो टेक्स्ट में जाके लोगो लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू।